नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। वर्ल्ड कप के बाद से धोनी क्रिकेट के मैदान से दूर हैं, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद हुए मैचों में कोई मैच ऐसा नहीं हुआ जिसपे धोनी के नाम के नारे न लगे हों। भले ही टीम जीती हो या हारी हो, लेकिन हर मैच में धोनी को जरूर याद किया गया। ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिला बांग्लादेश के खिलाफ खेली जा रही T20 सीरीज के पहले मैच में। दिल्ली में रविवार को खेले गए पहले T20 मैच में टीम इंडिया को बांग्लादेश ने 7 विकेट से हरा दिया और टीम इंडिया इस मैच में अपने 10 साल पुराने रिकॉर्ड को बरकरार नहीं रख सकी, जिसकी सबसे बड़ी वजह टीम इंडिया की खराब फील्डिंग, गेंदबाजी के साथ साथ DRS का गलत फैसला भी रहा। टीम इंडिया ने सही मौके पर DRS नहीं लिया और उसका एक रिव्यू ऋषभ पंत की गलती की वजह से खराब हो गया। जैसे ही पंत का रिव्यू का फैसला गलत साबित हुआ, वैसे ही दिल्ली के अरुण जेटली मैदान में धोनी धोनी के नारे गूंजने लगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि पंत से DRS में गलती हुई है, लेकिन पंत की ये गलती टीम को इतनी भारी पड़ी कि टीम को इसकी कीमत मैच हार कर चुकानी पड़ी। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर हुआ क्या था। बांग्लादेशी पारी के दौरान 10वां ओवर डालने आए थे युजवेंद्र चहल। उनके सामने थे बांग्लादेशी विकेटकीपर मुशफिकुर रहीम। चहल के ओवर की दूसरी गेंद रहीम के पैड पर लगी, जिस पर जोरदार अपील हुई, लेकिन अंपायर ने उसे नकार दिया, जिस पर कप्तान रोहित ने पंत से पूछा, लेकिन पंत ने पूरी तरह आश्वस्त नहीं होने की बात कही, जबकि ये जिम्मेदारी पूरी तरह कीपर की ही होती है। उसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर फिर से चहल ने LBW अपील की, लेकिन अंपायर ने एक बार फिर इसे नकार दिया, जिसके बाद कप्तान एक बार फिर पंत के पास गए, लेकिन पंत ने इस बार भी ध्यान नहीं दिया था। इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर पंत ने कैच आउट की अपील की, जिस पर टीम के खिलाड़ियों ने रुचि नहीं दिखाई और अंपायर ने इसे भी नकार दिया था, लेकिन पंत कप्तान के पास आए और कहा कि गेंद बल्ले से लगी है, जिस पर कप्तान को रिव्यू लेना पड़ा, लेकिन थर्ड अंपायर ने अपना फैसला नहीं बदला और मैदानी अंपायर के फैसले पर ही अपनी सहमति जताई, जिसके बाद पूरा मैदान धोनी धोनी के नारों से गूंजने लगा। पंत के इस निर्णय से रोहित शर्मा ने भी अपना सिर पकड़ लिया। पंत की ये गलती टीम को इस कदर भारी पड़ी कि वो अपना 10 साल और 8 मैचों पुराना रिकॉर्ड को बरकरार नहीं रख सकी। DRS लेने में माहिर माने जाने वाले धोनी को इस मैच में टीम के साथ हर उस क्रिकेट प्रेमी ने मिस किया जिसे क्रिकेट और धोनी से प्यार है। जब से धोनी टीम इंडिया से बाहर है, लगातार टीम इंडिया DRS लेने में गलतियां कर रही है। शायद यही वजह है कि फैंस धोनी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। खैर, जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन कहते हैं इंसान गलतियों से ही सीखता है, लेकिन पंत शायद नहीं सीख रहे हैं। अब अगर पंत को टीम में रहना है तो अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो उन्हें भी इसकी कीमत टीम से बाहर होकर चुकानी पड़ सकती है।